बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ 100 दुकानें 100 सुनहरे अवसर दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में। देश में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने महाराष्ट्र के पुणे की पूजा बुधावले साइकिल से 8000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हैं। उन्होंने बीते 8 अक्टूबर को श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड में दर्शन कर यात्रा शुरू की थी। वे काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सागर पहुंची हैं। सागर में रुकने के बाद पूजा उज्जैन बाबा महाकाल के लिए रवाना हो गई है। बाबा केदारनाथ धाम से लेकर उन्होंने सागर तक करीब 1500 से ज्यादा किलोमीटर साइकिल यात्रा पूरी की है। पूजा 8000 किलोमीटर साइकिल चलाकर आखिर में श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पहुंचेंगी। उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन साइकिल से यात्रा करने वाली पूजा पहली महिला होंगी। पूजा तानाजी बुधावले ने बताया कि वे योग का प्रचार प्रसार करती हैं। पूजा यात्रा के दौरान लोगों को योग का महत्व बताती हैं। उनका कहना है कि योग हमारे देश की विरासत है। भगवान भोलेनाथ ने योग का रहस्य माता पार्वती को बताया और ऋषि मुनियों से ये हमारे समाज में आया था। योग केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, सभी जाति धर्म के लोग इसको अपनाएं, स्वस्थ रहें, इसको लेकर वे प्रचार कर रही हैं। बता दें कि पूजा एक एथलीट हैं। वे करीब 10 सालों से रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग करती आ रही हैं। एडवेंचर के तौर पर ये अलग अलग लोकेशन पर घूमती हैं। वे साल 2017 में पूरे भारत को साइकिल के पहियों से नाप चुकी हैं। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4500 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी की थी। वे हाइब्रिड साइकिल चलाती हैं। यात्रा के दौरान उनके साथ ही मोटरसाइकिल से उनको कवर और ज़रूरत का सामान लेकर चलते हैं। जी, मेरा नाम पूजा बुधावले है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैं एथलीट हूँ। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग ये सब एक्टिविटीज़ में करती रहती हूँ। तो अब 2022 में मैं कर रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल यात्रा। तो मैंने 8 अक्टूबर से केदारनाथ से साइकिलिंग को शुरुआत किया है। ऐसे करते करते काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मैं अभी उज्जैन की तरफ जा रही हूँ। तो आज मैं सागर सिटी में रुकने वाली हूँ। यहाँ मतलब आते आते हमारे अभी 1500 किलोमीटर से ज़्यादा ही किलोमीटर हो चुके हैं। और हमारे राइड का उद्देश्य यह है कि हम योग प्रचार कर रहे हैं। इस राइड से शिवजी खुद, जो शिव भगवान हैं, वो खुद मतलब योग उन्होंने पार्वती माता को बताया था और उनका बातें कुछ ऋषि मुनियों ने सुनी थी और फिर योगा हमारे पास आया है। तो योग हमारा है, भारतीय लोगों का है। तो सारे यूथ को मैं बताना चाहूँगी कि आप खुद योगा कीजिए, फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और एक बात है कि योग सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, इसलिए हम एकता का भी संदेश दे रहे हैं। तो योग सारे जाति धर्म के लोग कर सकते हैं। तो मेरा स्लोगन ही है कि योग मेरा कर्म है और एकता मेरा धर्म है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग की साइकिल यात्रा हमारी तमिलनाडु के रामेश्वरम तक मतलब वहाँ तक पूरी हो जाएगी। और हमारा टारगेट है नवंबर एंड तक हमें वहाँ पे पहुँचना है। और ये राइड हमने वैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा दी है। जब राइड पूरी होगी तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरा एक ऑफिशियल रिकॉर्ड भी बन जाएगा। ये जो आपकी यात्रा है कितने किलोमीटर की है टोटल? पूरे 8000 किलोमीटर की यात्रा है। बीच में रास्ते में क्या क्या परेशानी, कोई कठिनाई आ रही हो? जी, ज़्यादा कोई ऐसी कठिनाई आई नहीं है, लेकिन जब मैंने यूपी और एमपी साइड पे देखा है, यहाँ पे जो जानवर है, गाय है, सांप है, ऐसे मतलब गाय तो पूरे रास्ते पे हर जगह पे मुझे दिखाई दे रही है, सिटी में है। और बहुत बार मैंने, एक बार तो मैंने खुद एक कार और गाय का टकरा देखा। बहुत सारे गाय मैंने रोड के बाजू में ऐसे जख्मी देखे। तो ये सब देखे मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे समझ में आया कि यूपी में ऐसे ही जानवर घूम रहे हैं, इनके यहाँ पे देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इनका ख्याल रखिए, ये भी एक ईश्वर सेवा ही है। रास्ते में खाने के लिए और कुछ परेशानी जा रही है? नहीं, ऐसा परेशानी कुछ नहीं आती है। जब अच्छे काम के लिए निकले हैं तो बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं रास्ते में। हमें हमेशा कोई ना कोई मिल जाता है जो हमें खाने के लिए पूछता रहता है और खाना खिलाते भी रहते हैं। और वैसे हमारे हर सिटी में होम स्टे है, मतलब हम हर सिटी में सबके घर पे रुक रहे हैं। तो वो लोग भी हमें आगे के लिए नाश्ता देते हैं या फिर कहीं 30-35 किलोमीटर के बाद आप यहाँ पे रुकना खाने के लिए, ऐसे वो पहले से हमारा अरेंजमेंट करके रखते हैं।
एक दिन में कितना साइकिल चलाते हैं? एक दिन में सर हम 100 से 150 किलोमीटर तक चलाते हैं, और कभी कभी किलोमीटर कम भी रहता है, जैसे 70-80 किलोमीटर, तो उस दिन हमारा रिकवरी राइड होता है। जी, मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल यात्रा की है। उसका कॉज था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोल्यूशन फ्री इंडिया, और वो राइड 4000 किलोमीटर की हमने 35 दिन में कम्प्लीट की थी। तो अब जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हम कर रहे हैं, उसके लिए हमने खुद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को अप्लाई किया है, और ये राइड भारत में अभी तक किसी लड़की ने की नहीं है। तो जब मेरी राइड पूरी होगी तो मैं फर्स्ट इंडियन लड़की बनूंगी जिसने 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल पे किया है। बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ। 100 दुकानें, 100 सुनहरे अवसर। दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू। सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में शोरूम, ऑफिस, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, गेम जोन, स्पा एंड सैलून, मोबाइल स्टोर, ज्वेलरी स्टोर हेतु दुकानें संपर्क का सुनहरा अवसर। सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, 24 घंटे CCTV से निगरानी, लिफ्ट सुविधा, कवर्ड कैंपस। तो हमारा पता है विजय टॉकीज परिसर, सागर, मध्य प्रदेश। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9424636739, 9926968299।